आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अगर आप रिवोकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जा सकती है। क्यों रिजेक्ट की जा सकती है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को अप्रूव कराएंगे ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक केस समझिएगा कि हमारे एक क्लाइंट ने एप्लीकेशन डाली कि भाई मेरी जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन है आप इसे अप्रूव कर दो, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का रीज़न बहुत अच्छा दिया है। रिजेक्ट करने का रीज़न क्या दिया है, उन्होंने क्या बोला कि भाई हम ये चाहते हैं तुम टैक्स पे करो और साथ में इंटरेस्ट पे करो, अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट पे नहीं करते तो एज़ पर रूल 23 आप लायबल नहीं हो, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं हो इस एप्लीकेशन को लगाने के लिए। एक बार रूल 23 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रूल 23 हमारा इस बात को कहता है कि भैया अगर आप एप्लीकेशन लगाने जा रहे हो तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है किस वजह से, कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, तो आपकी एप्लीकेशन तब तक अप्रूव नहीं की जाएगी जब तक आप टैक्स ना दे दे, इंटरेस्ट ना दे दे, पेनल्टी ना दे दे या लेट फीस ना दे दे। तो सर इस वाले केस में हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें कितना टैक्स देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितनी पेनल्टी देनी है? तो भैया इस वाले केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको अपना कैंसिलेशन ऑर्डर चेक करना है। कैंसिलेशन ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ होगा कि भाई इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करो। सर अगर कैंसिलेशन ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, जीरो लिखा हुआ है, तो आपकी एप्लीकेशन ऐसे डिपार्टमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता। इस केस में हुआ ये होगा कि आपने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा नहीं की होगी। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इनका कैंसिलेशन ऑर्डर चेक कर लेते हैं। अब हम गए कैंसिलेशन ऑर्डर चेक करने, तो जैसे ही हमने ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन चेक करा जो हमारा 15 दिसंबर 2020 को आया था, तो जब हमने इनका कैंसिलेशन ऑर्डर चेक करा तो कैंसिलेशन ऑर्डर में हमने देखा कि भैया ये जो कैंसिलेशन ऑर्डर है इसमें ये बात क्लियर लिखी है, इसमें ये वाली बात क्लियर लिखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला कैंसिलेशन ऑर्डर, इसमें वाली बात क्लियर लिखी है कि भाई आपका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ साथ इस बात को आप समझ लो आपकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती, आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करना पड़ेगा। अगर आप इस वाले ऑर्डर को ध्यान से देखेंगे, 26 दिसंबर 2020 को ये ऑर्डर आया है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया तुम्हें इतना टैक्स देना है, ठीक है ना, इतना इंटरेस्ट और इतनी पेनल्टी। सर ये डिपार्टमेंट ने कैसे कैलकुलेट करा एक बार हमें बता दीजिए। मैं आपको इसके लिए सेक्शन पढ़ाता हूँ, सेक्शन 29। अगर आप सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 को ध्यान से पढ़ेंगे तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है इससे ये इम्पैक्ट नहीं आता कि आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, आपको अपनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, हम कभी भी आपसे वो लायबिलिटी ले सकते हैं। लेकिन सर ये इन्होंने लायबिलिटी कैसे निकाली, तो यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट केस हो सकते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि ये टैक्स की लायबिलिटी निकल कर कैसी आई, तो भैया इस बात को समझिए, कई लोग क्या करते हैं अपनी GSTR 1 फाइल कर देते हैं और उसके बाद 3B को फाइल नहीं करते। आपने GSTR 1 फाइल कर दी और 3B फाइल नहीं करी और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस GSTR 1 के बेसिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल देगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है जब डिपार्टमेंट ये ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दे कि भाई ये इन्होंने टैक्स कैसे निकाला, ये इंटरेस्ट कैसे निकाला, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट निकाल रखा है ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। अगर आप देखोगे उतना ही अमाउंट का टैक्स है और उतना ही इंटरेस्ट है, तो एक साल में इतना इंटरेस्ट बनता नहीं है, तो हो सकता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर गलत हो। तो ये डिपार्टमेंट को चाहिए कि पूरी क्लैरिफिकेशन दे, साथ में पेनल्टी भी लगा रखी है। अब भैया ये पेनल्टी किस बात की है ये भी डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, जिससे कि जब हम व्यक्ति रिवोकेशन के लिए जाए तो टैक्स तो हमें पता लग गया, चलो हमने अंदाजा लगा लिया कि GSTR 1 फाइल करी थी, 3B फाइल नहीं करी थी, इस वजह से ये टैक्स लगाया गया है। आपके केसेस में और कुछ केस भी हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है और इसे इतना टैक्स बनना है। इंटरेस्ट पेनल्टी की कैलकुलेशन जो है डिपार्टमेंट ने मेरे हिसाब से गलत करी है, और अगर पेनल्टी लगाई भी है, अगर पेनल्टी लगाई भी है तो ये ऑर्डर में क्लियर करे कि उसने पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगाई है। खाली सेक्शन 29 में पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको ये बताना पड़ेगा आप ये पेनल्टी किस सेक्शन में लगा रहे हो। सर अब इस वाले केस में क्या करें, हमारी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई, तो भैया इस वाले केस में क्या करना है, आपको क्या करना है, अपील में जाना है। किस में जाना है, अपील में जाना है। अपील में जाकर ये चीज़ चेक करनी है, पहले तो डिपार्टमेंट लेवल पर ही पूछ लेना कि भैया ये जो आपने ऑर्डर दिया है हमारे को इसमें इंटरेस्ट
इंटरेस्ट पेनल्टी बता दो, टैक्स तो चलो हम तैयार है भरने को, लेकिन हमें इंटरेस्ट पेनल्टी बता दो, या आपने किस बेसिस पर लगाई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्या डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए कि भाई हम ये पेनल्टी किस बात की लगा रहे हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, कौन से पीरियड की कर रहे हैं, जिससे जब हम इसे डिपॉजिट करें तो हमें आसानी रहे डिपॉजिट करने में। अगर डिपार्टमेंट आपको एक क्लैरिफिकेशन नहीं देता है तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, आप अपील में जाकर इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। तो अपील में कैसे जाना है, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कैसे पड़ा, अगर ये सारी डिटेल आप चाहते हैं तो आप हमारी केजे क्लासेस की पेन ड्राइव ले सकते हैं। पेन ड्राइव लेने के लिए हमारे पास ये दो नंबर है, आप इन नंबर पर ये पेन ड्राइव मांग सकते हैं। और मैगजीन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, सब लोगों को मैगजीन मिल गई होगी, ठीक है ना, तो कैसी लगी मुझे बिल्कुल ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा जून का एडिशन रिलीज हो चुका है और आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा, हमारा केजे क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में क्या बेनिफिट होगा, छोटी छोटी वीडियोज हमने आपको दी है, अगर कोई व्यक्ति उसे लेना चाहे तो ले सकता है। जैसे हमारा वेबिनार हुआ ब्रेन प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो उसकी कोई स्पेशल वीडियो तो थी नहीं, कोई पेन ड्राइव तो थी नहीं, तो हमने वो ऐप पर डाल दिया कि किसी व्यक्ति का अगर मिस हुआ है तो वो वहां से वो देख सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, बहुत दिनों बाद फेस टाइम वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू जी।